बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फोकॉम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम पावर पॉइंट की जो है दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इस दूसरी क्लास के अंदर हम मजीद देखेंगे कि आगे हम किस तरह से स्लाइड बनाते हैं। लेकिन अपने नए आने वाले स्टूडेंट्स को भी हम खुश आमदेद कहते हैं और आपको यही कहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। बाकी इसके अलावा जब आप हमारे वीडियो के नीचे लिंक पर जाएंगे तो वहाँ पर शो मोर आपको शो होगा और शो मोर के नीचे जाकर आप देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के हमारे तमाम क्लासेज जो कम्प्लीट हो चुकी है उनका आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू जो है आप अपने क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं जो प्रीवियस क्लासेस आपकी मिस हो चुकी हैं, उसके बाद आप हमारे साथ जो है अपडेट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की दूसरी क्लास और इस क्लास के अंदर देखते हैं कि आज नया क्या है। चलते हैं अपने क्लास के ऊपर। जी स्टूडेंट, सब हम आ गए अपनी स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन पर आने के बाद हमने लास्ट टाइम एक फाइल बनाई थी पावर पॉइंट की और इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगी। इसके अंदर हमने लास्ट टाइम 3 जो है स्लाइड्स बनाई थी इस फाइल के अंदर। देखिए पावर पॉइंट लोड हो रहा है। ये लोड होने के बाद जो है हमारी वो फाइल्स ओपन हो जाएगी जिसके अंदर हमने 3 स्लाइड बनाई थी। देखिए 1 और 2 और 3 तरह से हमने 3 जो है स्लाइड्स बनाई थी। आज हम इसके अंदर देखेंगे, सबसे पहले तो ये हमारे पास है इंसर्ट मेन्यू और ये सब जो होम मेन्यू तो हमने ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है इसके अंदर, जिसमें जितनी भी फॉर्मेटिंग है ये सब हमने ऑलरेडी वर्ड और एक्सेल के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसलिए हमें दोबारा ये करने की जरूरत नहीं है। देखिए सारे तमाम कमांड, ये देखिए सारे अलाइनमेंट ऊपर की सारी अलाइनमेंट और ये सारे ये सिंबल्स ये सब हम कर चुके हैं। तो फिलहाल हम इसमें देखेंगे, फिलहाल आज इंसर्ट मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू के ऊपर जब हम यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कुछ मिलेगा। सबसे पहले न्यू स्लाइड है, ये हम यूज़ कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, मतलब न्यू स्लाइड्स इंसर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए ना, इस तरह से इसके अंदर तकरीबन 9, 10, 11 आपको जो है शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर टेबल की कमांड इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम देखें, क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको शो करेगा। सपोज करें किसी एक शीट के अंदर हमने टेबल की इंफॉर्मेशन दे दी, मतलब एक्सेल की भी इंफॉर्मेशन देनी है तो टेबल वाइज, तो उसके लिए हम फर्स्ट शीट पे क्लिक किया। यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप बता दें कि उसको कितने कॉलम चाहिए, कितनी रोज चाहिए नीचे तक, ठीक है। ये देखें बढ़ती चली जा रही है जितना आपको चाहिए, और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको दे दिया। इसको ड्रॉप करके नीचे रखें और नीचे रखने के बाद अब आप इसके अंदर अपना डेटाबेस फिट कर सकते हैं, फार्मूले लगा सकते हैं जो हम पिछले क्लासेस में कर चुके हैं। मतलब अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई फैक्ट एंड फिगर्स भी शो करनी है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये। ऊपर ये देखें, ऊपर से यहाँ पे आप इसको फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। दोबारा इसमें आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये पिक्चर से पिक्चर इंसर्ट पिक्चर, यहाँ पर जो है आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ये भी हम ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं पिछली क्लास में भी। और उसके बाद जो है ये बुक, ये है आप, ये कमांड भी हम पहले से कर चुके हैं हाइपरलिंक। और दोबारा हम इसमें देख लेते हैं, पहले इसको हम यहाँ पे देखते हैं, इसको क्लिक करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर अंडू किया और यहाँ पर जो है हम देखिए इसको हम यहाँ पर देंगे। देखिए अब बैक सीट के अंदर हमने ये ओपन कर लिया पीछे से एक एक्सप्लोर, और हम यहाँ पर एक कमांड करेंगे स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया और इस पर क्लिक किया और देखिए पीछे स्क्रीन हमारे पास आ गई है। अब इसको हम सपोज करें कि मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट लेता हूँ अपने बैकग्राउंड पे जो भी ओपन था, यहाँ से गूगल को मैंने सिलेक्ट किया। इतना हिस्सा सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको जो है क्लिक किया तो देखिए ये हमारे स्लाइड के ऊपर आ गया। अब स्लाइड के ऊपर आने के बाद आप इसको जहाँ पर भी चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई, आपके पास कोई डेटा है या स्क्रीनशॉट है, मतलब कोई डेटा है उसको स्क्रीनशॉट लेकर जो है आप इसको इसके अंदर एड कर सकते हैं, तो इसलिए हम स्क्रीनशॉट इस्तेमाल करते हैं कमांड। बाकी इसके अलावा जो है पिक्चर एल्बम है, यहाँ पर जो है पिक्चर्स की एल्बम बना सकते हैं। देखें इस पर क्लिक किया, क्लिक कर लिया, जितने चाहें आप इसके अंदर जो है अपना जो है पिक्चर्स एड करके एक एल्बम बना के वो भी आप इसके अंदर कंटिन्यू चला सकते हैं। इसके अलावा बाकी यहाँ पर देख लें मुख्तलिफ़ शेयर्स हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं वर्ड में भी और एक्सेल में भी, ये सिर्फ आप देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये कमांड है, देखिएगा यहाँ पर ये बाकी चार्ट है, चार्ट भी हम ये कर चुके हैं एक्सेल के अंदर, और बाकी आपको जब आते ही होगा तो फिर आप इसलिए इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं अपने स्लाइड के अंदर। बाकी इसके अलावा यहाँ पर हाइपरलिंक है, हाइपरलिंक के अंदर क्या होता है कि आप किसी भी सिलेक्ट किया काम को आपको और उस पर कोई लिंक लगाना चाहते हैं अपने किसी वेबसाइट का, कि उस पर क्लिक किया जाए तो वेबसाइट के ऊपर जाए या किसी और स्लाइड के ऊपर जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पर करने के बाद हमने देखें नाम लिखा, देखें ब्लू कलर हो गया और अंडरलाइन हो गया। जब भी हम इसको रन करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट पर पहुँचा देगा जो हमने वेबसाइट के अंदर लिखी थी। वापस खत्म करना है तो दोबारा इस पर आके यहाँ पे देखें
रिमूव लिंक पे क्लिक किया तो नॉर्मल ग्रीन कलर हो गया, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पर जो है ये आपको दूसरी कमांड है, इसमें जो है आप ऑप्शन मजीद लगा सकते हैं कि भाई जब क्लिक करें तो सेकंड स्लाइड पर जाए या साइड नंबर 15 पर जाए, जहाँ जाना चाहे मतलब मूव करना चाहे उसके लिए यूज़ करते हैं। बाकी इसके अलावा ये वर्ड आर्ट भी हम सब कर चुके हैं, और इसके अलावा ये भी हम सारे कमांड हम इसके अंदर देखिएगा सब हम वर्ड के अंदर ये कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ ये बाकी इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको दिखेगा कुछ इक्वेशन, ये इक्वेशन भी आपको दिखेंगी, ये तमाम इक्वेशन जो हम अपने स्लाइड्स के अंदर जो है इंसर्ट करके लगा सकते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पर वीडियो भी है और ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब वीडियो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, मतलब अपने कंप्यूटर से भी ले सकते हैं या ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और ऑडियो की फाइल्स भी अगर आप चाहते हैं तो उसको भी इंसर्ट कर सकते हैं अपने स्लाइड के अंदर। तो स्लाइड के अंदर यूज़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये तमाम कमांड्स, और जिसमें से हमने कुछ पहले से कर चुके हैं, कुछ हमने हमारे लिए कुछ न्यू थी, तो इनकी भी जो है आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, हम आते हैं इसके ऊपर डिज़ाइन। डिज़ाइन के अंदर क्या होता है कि मतलब आप अपने स्लाइड को डिज़ाइन दे सकते हैं। मैंने क्लिक किया तो देखिए सारे स्लाइड्स का चेंज हो रहा है, स्लाइड का बैकग्राउंड या इनके थीम्स जो है वो चेंज करने के लिए हम डिज़ाइन मेनू के अंदर आकर यूज़ करते हैं। तो जिस तरह का चाहे आप उस पर क्लिक करें, ऊपर एक दो तीन चार जितने भी आपको दिख रहे हैं उनमें से जिस थीम्स को आप पसंद करते हैं आप उसके हिसाब से इसको लटक सकते हैं। देखिएगा इसके अंदर मजीद अगर हमने ये लिया और इसमें देखिए इस तरह से बन गया, और तीनों मतलब तमाम वन टू ऑल शीट्स के ऊपर जो है अप्लाई होगी थीम्स ये सारे। बाकी ये वाला थीम्स लेते हैं तो ये इस तरह से आपको अलग स्टाइल में दिया और ये दिया, नॉन करते तो ओके कर देंगे, और इस पर किया तो हमारे पास ये हमारे पास आ चुका होगा। तो इस लिहाज से हम ये जो है डिज़ाइन मेन के अंदर आकर अपने स्लाइड्स की जो है, लास्ट टाइम जो हमने क्लास के अंदर थीम बनाई थी स्लाइड्स वो सिंपल सी नॉर्मल सी थी, और इसके अंदर जो आप ये देखेंगे इस तरह से जिस तरह से भी आप चाहें मुख्तलिफ तरीके से अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन है, ये देखें क्लिक करेंगे और मजीद उसके अंदर आपको जो है ये मिलते रहेंगे, जिसमें से आप अपने इसको जो है स्लाइड्स को जो है चेंज कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि एक स्लाइड्स के ऊपर ये हो दूसरी स्लाइड पर थोड़ा सा चेंज डिफरेंट हो, तो इसलिए आप भी आते हैं ये नीचे दूसरे पर चेंज हो गया है, ये इस तरह से मजीद आपको जो है ये ऊपर आपको शो करेगा, जिसके थ्रू आप इसको देख सकते हैं कि मुख्तलिफ मुख्य ये देखिएगा जिस तरह से भी चाहें आप फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, और सेकंड स्लाइड पे, थर्ड स्लाइड पे, फोर्थ स्लाइड्स पर जितने भी आपके पास स्लाइड्स हैं उनके ऊपर फॉर्मेटिंग देने के लिए या उनके थीम्स चेंज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखिएगा सबसे पहले हम ये इसमें से ले लेते हैं चले कि स्टैंडर्ड, मजीद इसके अंदर और भी ऑप्शन हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे, इन ऑप्शंस को भी आप देख लीजिएगा, बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बाकी यहाँ पर जो है आपको ये मिलेगा, ये लास्ट पर ये ऑप्शन देखिएगा, ये सबसे इधर जो आपको ऑप्शन हो रहा है इन ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं, मजीद जो है आपको देखें मजीद आप जो है इसके अंदर से ऑप्शन देख सकते हैं और उनका पैटर्न चेंज कर सकते हैं, अपने स्लाइड का पैटर्न चेंज करने के बाद उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, इवन के साउंड भी दे सकते हैं। देखिएगा साउंड भी हमने इसके ऊपर दिया है, अब साउंड करने का हम जब इसकी स्लाइड को चलाएंगे रन करेंगे तो ये आपको साउंड भी क्लिक करके देगा। देखिए इस वक्त आपको साउंड शायद नहीं आए, लेकिन इस लिहाज से आप इसको भी यूज़ कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर देखिएगा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है कि हम अपने स्लाइड्स को जो है थोड़ा मूवमेंट करेंगे, कुछ एनिमेशन देंगे उसके अंदर, तो इसमें जो है एनिमेशन देने के लिए मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स आपको दिए गए हैं, मुख्तलिफ इनके ऑप्शन दिए गए हैं, जिन ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके अपने जो है स्लाइड को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा अट्रैक्टफुल बना सकते हैं स्लाइडर को। अब सपोज करें इसमें ये वाला लिया या ये लिया तो देखें इस तरह से जूम इन जूम आउट करें और ये देखें ये स्लाइड नीचे से ऊपर आई, और ये देखिएगा फ्लैग में इस तरह से आया फ्लैग वाइज, या इस तरह से देखिए ये जितने भी आप यहाँ पर जो है लेते रहेंगे वो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ का देता रहेगा। देखिए रैंडम बार में जो है आपको बार की सूरत में आपको शो किया, इस तरह से ये तमाम आप इसके अंदर देख सकते हैं। और इसके अलावा क्लिक करने के बाद नीचे देखें और भी मजीद आपको तरह तरह की जो है सैकड़ों किस्म की स्लाइड्स देखें, किस तरह से आपको डोटेड में अपेयर हो रही है आपकी स्लाइड, जिस तरह से आप चाहें इसमें से मुख्तलिफ तरीके ले सकते हैं देख सकते हैं। देखिए ये वर्डिंग के साथ भी आ रही है इसके अंदर। बाकी इसके अलावा इसमें और मजीद देखिएगा, ये
कुछ इस तरह के मतलब मुख्तलिफ किस्म के आपको जो है इसके अंदर काफ़ी मिल जाएंगे। इसमें से मैं कुछ पाँच छः जो है आपको ट्राई करके दिखा रहा हूँ, ताकि फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए तमाम की। देखिएगा ये अब रन किया था, उम्मीद देखिएगा ये हमारे इस तरह से स्लाइड लेकर आएगा। तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये ऊपर वाला, ऊपर वाले के अंदर क्या होता है कि आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि जो स्लाइड आपने ट्रांजिशन दिए वो नीचे से ऊपर आए या ऊपर से नीचे आए या लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आए या किस तरह से डायरेक्शन आप देना चाहते हैं वो उसके लिए ये ऑप्शन है सारे। बाकी इसके अलावा यहाँ पर भी मजीद आप इसमें साउंड भी एड कर सकते हैं। ये मतलब उनके साउंड आपको दिख रहा है सारा, तो मैं जरा स्क्रीन की तरफ खड़ा हूँ तो आपको ये साउंड भी दिख रहा है। ये साउंड भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं और ये जब साउंड पे जब इसको रन करेंगे तो ये साउंड के साथ जो आपका स्लाइड शो करेगा। तो ये देखिएगा इस तरह से ये अभी रन किया तो ये देखें साउंड भी आया है और ये स्लाइड की देखें अभी नीचे नीचे इस ऑप्शन से हमने जो भी चाहते हैं नीचे स्लाइड करने का, तो हम इसको चलाएंगे रन करेंगे तो देखें किस तरह से आया। ये इस तरह से जो है मजीद इसके अंदर ऑप्शंस भी हैं और जिसमें मजीद इफेक्ट्स भी हैं और इन इफेक्ट्स के ऊपर आप जो है काम कर सकते हैं। आप इवन के आप जो है अपने वर्ड के ऊपर भी कर सकते हैं। और अभी देखिएगा कि यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन हम देख रहे हैं ऊपर, ये जी बिल्कुल ये टॉपर आपने देखा, यहाँ पर टाइम भी है, टाइम भी आप इसके ऊपर जो है सेट कर सकते हैं कि इतने टाइम के बाद दूसरी स्लाइड चले ऑटोमेटिकली और इस टाइम के बाद या इतने टाइम के बाद जो ये वाली ट्रांजेक्शन चले। तो ये ट्रांजेक्शन भी हम चलाते हैं, रन किया तो आप देखिएगा ये इस तरह से चली और यहाँ पर ये आपको मे बी कि शायद आपको इस वक्त साउंड नहीं आए, तो साउंड भी लगाने के बाद हम इसके अंदर टाइम पीरियड भी लगा सकते हैं। दोबारा हम इसको इनएक्टिव करना है तो दोबारा हम जो है माउस को ले जाकर वहाँ से इनएक्टिव कर देंगे। अभी देखिए रन करके देखा ये आया, अभी दोबारा हमने इसको इनएक्टिव कर दिया। तो बस इस तरह से हम इसको जो है ट्रांजेक्शन की मेन्यू यूज़ करते हैं और इस ट्रांजेक्शन मेन्यू की प्रैक्टिस परफेक्टली कीजिएगा ताकि जो है कोई चीज़ आपके साथ छूटे नहीं, ताकि आपके जहन में रहे कि किस किस तरह की या किस किस टाइप की जो है ट्रांजेक्शन इसके अंदर मौजूद होती है। तो आज की लेसन के अंदर हमने देखा कि हम किस तरह से अपने जो है इसको करते हैं तमाम ट्रांजेक्शन और किस तरह से हम इंसर्ट करते हैं इसके अंदर। जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास के अंदर हमने देखा कि किस तरह से पावर पॉइंट के अंदर जो है हम होम मेन्यू इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इंसर्ट मेन्यू इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से जो है अपना डिज़ाइन का मेन्यू इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से ट्रांजिशन का जो है मेन्यू इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनकी प्रैक्टिस ज़रूर रखिएगा ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस में अपडेट रहे, ताकि जो है अगर आपको कहीं पर किसी प्रोफेशनल लेवल पर जो है अगर कोई आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाना पड़ जाए जिसके थ्रू जो है आप स्लाइडिंग के थ्रू जो दिखाना चाहते हैं तो उसमें आपको जो है बहुत हेल्पफुल रहे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जब तक के लिए हमें नेक्स्ट क्लास के लिए आने के लिए जब तक हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।